स्वागत है आपका नए सेशन में। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि ऑन टाइम सॉफ्टवेयर का पासवर्ड कैसे रिसेट करते हैं। डेटाबेस सीक्वल में है, तो अगर हमारा डेटाबेस सीक्वल में है तो उसका पासवर्ड ब्रेक करने के लिए हमें एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जिसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। ऑल प्रोग्राम में जाओगे, नीचे और नीचे और नीचे, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पे आपको सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मिल जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, आपको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से देख के आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब डबल क्लिक करोगे इस पर, ये ओपन हो गया। यहाँ पे अपना इंस्टेंस नेम सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड में भी कनेक्ट कर सकते हो और विंडो मोड में भी कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम चलिए विंडो मोड में ही कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू क्वेरी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हमेशा आपको ऑन टाइम सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हमें टेबल नेम फाइंड करना है। तो हमारा जो टेबल नेम है वो क्या है, लॉगिन इन्फो के नेम से जो टेबल होता है उसमें जितने भी यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं उसका डिटेल स्टोर होता है। तो चलिए हम सेलेक्ट करते हैं, आपको क्वेरी रन करना पड़ेगा। यहाँ पे सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन इन्फो, LO जैसे टाइप करोगे, यहाँ पे देखिए लॉगिन इन्फो के जो फोल्डर है वो आ गया। इसे सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दोगे। ID 1 दिखा रहा है, लॉगिन नेम संजीत दिखा रहा है और पासवर्ड में कुछ कोड दिखा रहा है, तो इसे हमें रिप्लेस करना है अपने कोड से। जो हमने कोड यहाँ पे नोटपैड में टाइप करके रखा है, इस कोड को उस कोड से रिप्लेस करना है। जैसे हम ये रिप्लेस करेंगे, हमारा जो यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा डिफॉल्ट हो जाएगा। सॉरी, यूजर नेम डिफॉल्ट नहीं होगा, सिर्फ पासवर्ड डिफॉल्ट होगा। तो चलिए हम दूसरी क्वेरी चलाते हैं, अपडेट LOGIN लॉगिन इन्फो। ठीक है, सेट यूजर पासवर्ड इक्वल टू, हम अपना जो कोड है इसे कॉपी करते हैं, इसे मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हो। इसे सिंगल इनवर्टेड कॉमा में रखना है। सेट पासवर्ड इक्वल टू दिस WHER वेयर ID इक्वल टू 1, इसे भी सिंगल इनवर्टेड कॉमा में रखना है। और अब की बार सिर्फ इस क्वेरी को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही हमने क्वेरी रन किया, यहाँ पे आ गया मैसेज 1 रो अफेक्टेड। तो हमने जो कोड सेट किया वो सक्सेसफुली सेट हो गया। ठीक है, अब चलिए हम क्रॉस चेक कर लेते हैं पहली वाली क्वेरी रन करके कि ये सेट हुआ नहीं, एग्जीक्यूट किया, ये सारे डिटेल आ गए। ये देखिए हमारा कोड यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको सिर्फ ये चीज़ नोट करनी है, यूजर नेम, ये आपको सॉफ्टवेयर के यूजर नेम में डालना है, SANJIT। ठीक है, और पासवर्ड हमने सेट कर दिया एडमिन। जैसे आप ये कोड सेट करोगे, जो पासवर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा एडमिन, कैपिटल A देन स्मॉल DMIN, और यूजर नेम यहाँ पे है SANJIT संजीव। हम यहाँ पे देखते हैं, यही है ना, हाँ यही यूजर लॉगिन नेम है। चलिए हम सॉफ्टवेयर लॉगिन करते हैं, डबल किया, क्लिक किया सॉफ्टवेयर पे। यूजर नेम हमने टाइप किया SANJIT संजीत और पासवर्ड हमने टाइप किया कैपिटल A देन स्मॉल DMIN। ये लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।